डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फर्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी किए। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को स्टडी किया। अब आज इस वीडियो में हम लोग एनालिटिक फंक्शन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, एनालिटिक फंक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, लेकिन आपको इसकी अच्छी तरीके से इसको डेफिनेशन समझनी है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? अ फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट इफ इट इज वन वैल्यूड एंड डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नॉट बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। मतलब अगर कोई फंक्शन एफ जेड अगर डिफरेंशिएबल है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एनालिटिक है। अगर हम ये कह दें कि वो केवल उस पॉइंट पे, जिसे इन्होंने कहा है कि फंक्शन एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जेड नॉट पे अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक हो जाएगा। हमको ध्यान रखना पड़ेगा, फंक्शन हमारा एनालिटिक तभी होगा जो कि डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नॉट बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। मतलब वो जेड नॉट पे तो डिफरेंशिएबल हो ही, और उसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे उसको डिफरेंशिएबल होगा, तब हमारा फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा। इसके बाद देखिए, एनालिटिक फंक्शन को हम लोग रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं, होलोमॉर्फिक भी बोलते हैं, मोनोजेनिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इफ द फंक्शन एफ वन बाई जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स कि आपका फंक्शन एनालिटिक है अगर जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका फंक्शन एफ वन बाई जेड इक्वल टू जीरो पे एनालिटिक हो। अब इंटायर फंक्शन, अ फंक्शन एफ जेड विच इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एन इंटायर फंक्शन। मतलब अगर कोई फंक्शन एफ जेड फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे एनालिटिक हो तो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या होगा? इंटायर फंक्शन होगा। अब कुछ इसके रिजल्ट्स हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है किसी भी डिग्री का हो, वो एनालिटिक, वो इंटायर फंक्शन होता है। रेशनल फंक्शन विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स आर ऑल्सो इंटायर फंक्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। मतलब कि अगर हमारा फंक्शन एफ जेड के लिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन क्या होती हैं? अब देखिए यहाँ पे, द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, टू बी एनालिटिक इन अ रीजन R इफ डेल u ओवर डेल x, कॉमा डेल u ओवर डेल y, कॉमा डेल v ओवर डेल x, कॉमा डेल v ओवर डेल y आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x एंड y इन द रीजन R। एंड सेकेंड कंडीशन इज कॉशी रीमान इक्वेशन, डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल u ओवर डेल y इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। तो स्टूडेंट, जो हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है कि हमारा जो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी है, वहां पे कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कॉशी रीमान इक्वेशन क्या होंगी? डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। और सफिशियंट कंडीशन होती है हमारी कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं यू और वी के, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए इन दी रीजन R में। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव हमारे
डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ये एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ अ रीजन आर एंड दीज पार्शियल डेरिवेटिव आर कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जैसे एन इंटायर फंक्शन इज ऑलवेज एनालिटिक, डिफ्रेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स कि कोई भी इंटायर फंक्शन होगा वो हमेशा एनालिटिक होगा, डिफ्रेंशिएबल होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन एनालिटिक हो कोई फंक्शन, डिफ्रेंशिएबल हो और कॉन्टिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं कि वो इंटायर फंक्शन हो। नेक्स्ट है, एनालिटिक फंक्शन इज ऑलवेज डिफ्रेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन होगा वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, कॉन्टिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो। नेक्स्ट रिजल्ट, ये तो आप 12th में भी पढ़ चुके हैं, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। नेक्स्ट रिजल्ट, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी आर कॉन्जुगेट फंक्शन, द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जुगेट फंक्शन इज गिवन बाई कॉशी रीमान इक्वेशन। तो अगर कोई फंक्शन हमारा एफ जेड यू प्लस आई वी है और वो एनालिटिक है तो हम कह सकते हैं कि जो u और v हैं, जो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, वो कैसे फंक्शन होंगे, कॉन्जुगेट फंक्शन होंगे। और इन u और v का जो रिलेशन आता है, द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जुगेट फंक्शन मीन्स u एंड v इज गिवन बाई कॉशी रीमान इक्वेशन, ये जो हमने कॉशी रीमान इक्वेशन ये स्टडी किया था। अब नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन देन सी आर इक्वेशन मीन्स कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइज एंड कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन रीजन आर, मतलब नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन सारी हमारी सेटिस्फाई कर रही है फंक्शन एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए। और एफ जेड हमारा कैसा है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिए आप। अच्छा, हमको ये भी पता है कि कॉशी रीमान इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स की को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल वी ओवर डेल वाई, तो डेल यू ओवर डेल एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल वी ओवर डेल एक्स की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, तो डेल वी ओवर डेल एक्स की प्लेस पे माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। तो ये दोनों ही रिजल्ट हमारे काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखिए। और अब नेक्स्ट है हमारा हार्मोनिक फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच पजेस कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। मीन्स कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर जिसमें एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है, और वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें भी हैं, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन, मीन्स कि अगर एफ जेड हमारा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी आपका एनालिटिक फंक्शन है तो ये कंफर्म है कि यू एंड वी दोनों ही हमारे हार्मोनिक फंक्शन होंगे। मीन
जैसे यू अगर हार्मोनिक है तो क्या लिख सकते हैं, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सिमिलरली फॉर वी, वी भी हार्मोनिक है तो डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी आपका लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट, इफ एवरी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी डिफाइंस टू फैमिलीज ऑफ कर्व u इक्वल टू सी वन एंड v इक्वल टू सी टू, विच फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। मीन्स कि अगर आपका कोई फंक्शन एनालिटिक है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी और दो हम फैमिली ऑफ कर्व को डिफाइन करता है, जैसे u इक्वल टू सी वन, यहाँ u x और y का फंक्शन है, v भी x और y का फंक्शन है, और v इक्वल टू सी टू, तो वो हमेशा क्या करेगा, एक ऑर्थोगोनल सिस्टम को फॉर्म करेगा। ऑर्थोगोनल सिस्टम में बोथ कर्व C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब दोनों ही कर्व क्या होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे।